हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज जो है हम नेक्स्ट रिवीजन क्लास करेंगे सेट 4, जिसके अंदर चार चैप्टर करेंगे। फर्स्ट जो चैप्टर रहेगा अपना रहेगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और थर्ड अपना मैट्रिक्स, और फोर्थ है डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये चारों के चारों चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इन दो चैप्टर की, तो इन दो चैप्टर में से 9 से 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन दो चैप्टर की बात करूं तो इनसे भी 9 से 10 क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पिछले अगर एंड मैं बात करूं पिछले एग्जाम की एनडीए सेकंड की 2018 की, तो डिटर्मिनेंट में से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। लगभग मेरे हिसाब से 10 से 11 क्वेश्चन जो है अकेले इस चैप्टर में से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये चार चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इन चारों चैप्टर से आपसे लगभग 20 क्वेश्चन जो है आपके अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, तो इन चार चैप्टर्स को आप बिल्कुल ही अच्छे वे से करना। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई की वैल्यू पूछी थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको दिया हो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई मतलब क्या हो गया, इसकी रेंज होगी, और साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है, वाई जो है वो किसको बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि जो y है वो इक्वल भी है और ग्रेटर देन माइनस पाई बाय टू और लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, तो हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। मैंने थ्योरी पार्ट के अंदर बिल्कुल डिटेल से आपको ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये जो है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री माइनस में सीकेंट इनवर्स माइनस का टू। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये देखना है कि टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री, टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री का मतलब है कि आपको ये देखना है कि टेंजेंट जो है वो रूट थ्री कब होता है। टेंजेंट रूट थ्री कब होता है, पाई बाय सिक्स पे, मतलब 60 पे रूट थ्री होता है। इसका मतलब टेंजेंट इनवर्स रूट थ्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पाई बाय थ्री आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सीकेंट इनवर्स माइनस टू की, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्या कि सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। और यहां मैं बात करूं तो यहां मेरे पास क्या है, माइनस का टू, तो इसका मतलब सीकेंट इनवर्स माइनस का जो 2 होगा वो पाई माइनस में सीकेंट इनवर्स 2 के इक्वल है। अब अगर मैं 2 की बात करूं तो सीकेंट इनवर्स 2 की जो वैल्यू होती है वो किस पे होती है, पाई बाय 3 पे। तो ये क्या आएगा, पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब जो एलसीएम ले क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसकी वैल्यू आई थी ये और इसकी वैल्यू आई थी ये, तो इसका मतलब पाई बाय 3 में से माइनस करना है 2 पाई बाय 3। एलसीएम लेने पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 3, तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, बी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स माइनस में साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन एक्स इज इक्वल टू। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से अगर करेंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स पाई बाय 2। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से ऐसे करना कैसे करना है आपको, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए लेता हूं। ए में एक्स की जो वैल्यू हो गया 0 भी दी हुई है और 1/2, सबसे पहले आप 0 पुट करो। 0 अगर मैं पुट करूं इसमें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 क्या रहेगा, 1 माइनस में 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू रहती है पाई बाय 2 रहती है। आपको ये देखना है कि साइन 1 कब होता है, 1 साइन पाई बाय 2 पे, तो इसलिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या रहेगी, पाई बाय 2। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या रहती है, 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां से देखो पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाय 2। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका एक सोल्यूशन है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है। अब सेकंड में देखता हूं कि क्या 1/2 हो सकती है। 1/2 की अगर मैं बात करूं तो एक्स में इसमें 1/2 पुट कर लो, यहां क्या आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में 1/2, तो 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 1/2 ही होता है, माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, देखो ये साइन इनवर्स 1/2, ये माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2, तो ये बचेगा माइनस का 2 माइनस का 1 साइन इनवर्स 1/2। 1/2 की अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स 1/2 कब होता है मेरा, पाई बाय
सिक्स पे, मतलब 30 पे, तो ये आएगा मेरे पास पाई बाय सिक्स। अब देखो यहाँ जो वैल्यू है मेरे को क्या चाहिए थी, पाई बाय टू, जबकि ये क्या है मेरे पास पाई बाय सिक्स है, इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू है 1/2 नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है क्योंकि इसमें भी 1/2 आ गया, और डी भी इसका करेक्ट नहीं है, इसमें भी 1/2 आ गया, तो बच्चा क्या मेरे पास सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी जो है इसका अपने पास क्या होगा, आंसर होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये कहता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो है मेरे को फाइंड आउट करनी थी। क्या एक्सप्रेशन दी हुई है, कोस इनवर्स इनटू में, इसका जो एंगल है वो क्या है, कोस माइनस का 1680, ठीक है ना, 680 मतलब 680 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोस की प्रॉपर्टी होती है कि कोस माइनस अगर इसका एंगल हो तो उसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स, ठीक है, सेम प्रॉपर्टी का मैं यहाँ यूज करूंगा। ये क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स कोस, और ये क्या है माइनस का 680 डिग्री है, तो सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स, इस कोस माइनस को मैं लिख सकता हूँ कोस 680, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि कोस फंक्शन पॉजिटिव रहता है, उसका जो अगर एंगल नेगेटिव हो तो उस माइनस को जो बाहर लेके आते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। अब ये आया कोस इनवर्स, ये क्या है कोस 680, 680 को मैं लिख सकता हूँ 720 माइनस में 40, ठीक है, 720 का मतलब क्या हो गया मेरे पास, ये क्या आएगा मेरे पास यहाँ, ठीक है, तो ये आया मेरे पास कोस क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस में, कितना आ जाएगा ये 40 कोस, अब ये क्या होगा 4 पाई पे 9 चेंज आएगा, 4 पाई पे 9 अगर चेंज आएगा तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कोस इनवर्स कोस 40 डिग्री, और 4 पाई माइनस जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में क्या रहता है पॉजिटिव, तो कोस इनवर्स से कोस कैंसिल होकर कितना आ गया 40 डिग्री, तो आंसर क्या है 40 डिग्री। अब देखो 40 डिग्री को अब यहाँ जो है वो 40 डिग्री में नहीं है दिया हुआ है, मतलब रेडियन में दिया हुआ है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ इसको मैं लिख लेता हूँ 40 डिग्री को जब मैं रेडियन में चेंज करूँ तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये गया 2 पे, ये गया मेरे पास 9 आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा 2 पाई बाय 9, तो ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को आपको ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज, तो साइन इनवर्स 2x की जो डोमेन है मेरे को फाइंड आउट करनी थी, डोमेन का मतलब है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो देखो अगर मैं सिंपल बात करूं साइन इनवर्स x की, तो साइन इनवर्स x की जो डोमेन होती है, x जो होता है वो माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, तो यहां क्या है मेरे पास 2x है, क्या है 2x, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स x की, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो साइन इनवर्स 2x है तो इसके अंदर जो भी एंगल रहता है, यहां जरूरी नहीं है कि x हो, यहां अगर 3x होता 4x होता 5x होता तो वो सभी है, तो जो एंगल होता है वो हमेशा क्या रहता है माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स जो इनवर्स फंक्शन होता है साइन इनवर्स फंक्शन, उसकी जो डोमेन होती है वो माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करती है, और यहां एंगल क्या है इसका 2x है, यहां कुछ भी एंगल दिया अगर लिखा था 4x तो वो भी क्या रहता है मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 और लेस देन इक्वल टू 1 उसके बीच में, लेकिन यहां जो है मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए x की, ये जो रेंज आई वो किसकी आई, मतलब ये जो डोमेन आई वो किसकी आई 2x की, तो क्या कर देते हैं इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ x आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो किसको बिलोंग करेगी, क्लोज इंटरवल 1/2 से ओपन इंटरवल 1/2, क्लोज क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल भी है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी वो मेरे पास क्या आएगी c आएगी। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है कि इफ कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और एक्स जो है वो पाई ग्रेटर देन पाई और लेस देन 3π/2 है, इसका मतलब एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि ये 0 से पाई बाय 2 और ये पाई से 3π/2 और ये वापस क्या आ जाएगा 2π, तो एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 3 सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोस एक्स दिया हुआ है, कोस एक्स से सबसे पहले मैं निकाल सकता हूँ साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस में कोस एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास ये आएगी, उसका स्क्वायर करेंगे 1/4, इसका स्क्वायर रूट एलसीएम लेंगे और मेरे पास आ जाएगा √3/2 प्लस माइनस। अब देखो एक्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए वहां साइन क्या रहेगा मेरे पास नेगेटिव रहेगा, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का √3/2, ठीक है, साइन एक्स पता है कोस एक्स पता है, तो टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास साइन एक्स बाय कोस एक्स, तो ये क्या आएगा माइनस का √3/2 और ये क्या था मेरे पास माइनस का 1/2, ये 2 से
टू कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा रूट थ्री। तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू जो क्या है वो बस रूट थ्री, और यहाँ क्या चाहिए मेरे को टेंजेंट स्क्वायर चाहिए, तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ रूट थ्री का भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास थ्री, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है फोर है, तो फोर इंटू में थ्री माइनस में ये क्या है थ्री इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखो साइन एक्स की जो वैल्यू वो मेरे पास ये है, तो कोसिकेंट एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आएगी इसका उल्टा कर देंगे माइनस का टू बाई रूट थ्री हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है तो माइनस टू का स्क्वायर हो गया फोर और रूट थ्री का स्क्वायर हो गया थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल चार थ्री बारह माइनस में चार क्या आ जाएगा आठ, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ जाएगी एट आ जाएगी। ठीक है, तो फोर टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस में थ्री कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास एट आ जाएगा, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है देन कोट ए माइनस वन कोट ए बी माइनस वन इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो क्या दिया हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया हुआ, दोनों साइड कोट अप्लाई कर लेते हैं, कोट ए प्लस में बी इज इक्वल टू क्या आएगा कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और कोट ए प्लस बी का जब मैं फॉर्मूला यूज करूं तो क्या होगा कोट ए इंटू में कोट बी माइनस वन डिवाइड बाय कोट ए प्लस में कोट बी, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मेरे पास ये आएगा कोट ए इंटू में कोट बी माइनस वन इज इक्वल टू कोट ए प्लस में कोट बी। इन दोनों टर्म को मैं इस साइड में ले जाता हूं, इन दोनों टर्म्स को जब मैं इस साइड में लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास कोट ए इंटू में कोट बी माइनस वन और माइनस का कोट ए प्लस में कोट बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों साइड क्या कर लेते हैं टू ऐड कर दे, सॉरी ये माइनस का आएगा, दोनों साइड में टू ऐड कर देता हूं, टू ऐड करूंगा तो इसको मैं लिख लेता हूं कोट ए इंटू में कोट बी माइनस में कोट ए माइनस में कोट बी। अब देखो यहां क्या है माइनस वन, लेकिन मैं जो दोनों साइड है इधर भी टू ऐड कर रहा हूं और इधर भी टू ऐड कर रहा हूं, तो ये माइनस का वन ये प्लस का टू, तो यहां प्लस का वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टू। ठीक है, अब देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या कॉमन है कोट ए कॉमन है, कोट ए कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा कोट बी, यहां बच जाएगा माइनस का वन, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो यहां कोट बी और यहां माइनस का वन इज इक्वल टू टू, तो इन दोनों में क्या कॉमन है कोट बी माइनस वन जो है कॉमन है, तो यहाँ बचेगा कोट ए और यहाँ बचेगा माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू, इन दोनों की प्रोडक्ट पूछी थी, इन दोनों की प्रोडक्ट जो है मेरे पास क्या आ जाएगी प्लस का टू आ जाएगी, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, एक इक्वेशन दी हुई है क्या साइन टू एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का मेरे को क्या करना है एक रूट जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए रूट फाइंड आउट करना है ये करना है तो आपको ऑप्शन का यूज करके करोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे, सबसे पहले मैं अगर देखता हूँ जीरो को, रूट का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू सबसे पहले पुट करके देखते हैं जीरो, अगर मैं जीरो पुट करूं तो यहां क्या आएगा मेरे पास साइन जीरो और ये क्या आ जाएगा कोस जीरो, साइन जीरो जीरो होता है लेकिन कोस जीरो वन होता है तो जीरो, तो क्या वन इज इक्वल टू जीरो होता है, नहीं होता, इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं पाई बाय टू की, ठीक है, तो यहां अगर मैं पुट करता हूं एक्स को पाई बाय टू तो ये क्या है टू इंटू में एक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय टू और प्लस में ये क्या आ जाएगा कोस पाई बाय टू, टू से टू कैंसल तो ये क्या आएगा साइन पाई और ये क्या आ जाएगा कोस पाई बाय टू, साइन पाई की जो वैल्यू रहती है वो जीरो रहती है और कोस पाई बाय टू की वैल्यू भी क्या रहती है जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया, यहाँ क्या था जीरो ही था, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल आ गई, इसका मतलब जो इसका आंसर होगा एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी पाई बाय टू, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, ये कहता है इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए को साइन बी, साइन ए और साइन बी की जो मेरे को मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसको देखो कैसे लिखते हैं साइन ए इंटू साइन बी, बी की जो वैल्यू अगर ये मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस में ए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 90 माइनस में ए, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा होता है और थीटा की जगह क्या है ए, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए। अब इसको क्या कर लेते हैं टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, तो साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कोस ए और ये हो जाएगा वन बाय टू, ये आ गया मेरे पास साइन टू ए। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या है साइन टू ए। अब देखो अगर मैं बात करूं साइन फंक्शन की,
ठीक है। तो साइन फंक्शन की जो वैल्यू रहती है वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है, ठीक है। मतलब ए जो होगा वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो सॉरी साइन टू ए होगा, जो साइन टू होगा वो वन और माइनस वन के बीच में लाई करेगा, क्योंकि साइन फंक्शन की जो वैल्यू रहती है वो माइनस वन और वन के बीच में लाई करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, साइन टू ए बाय टू भी है, मतलब डिवाइड में भी टू है, तो इसके भी डिवाइड में टू कर लेते हैं और इसके डिवाइड में भी टू कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ में अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या आया, साइन टू ए बाय टू की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन बाय टू और लेस देन इक्वल टू वन बाय टू। इसने पूछा है मिनिमम, मिनिमम का मतलब है कम से कम वैल्यू, तो कम से कम वैल्यू जो है उसकी क्या रह सकती है, माइनस का वन बाय टू। अगर वो पूछता मैक्सिमम, मैक्सिमम के इसमें क्या जाता है, प्लस का वन बाय टू, तो मिनिमम क्या आएगा मेरा, माइनस का वन बाय टू। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए कोस थीटा प्लस में बी साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री एंड ए साइन थीटा माइनस में बी कोस थीटा इज इक्वल टू फोर है, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज। तो सिंपल है, क्या करो, पहले इसको ले लो, इसका होल स्क्वायर करो, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस में टू ए बी क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, मतलब थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नाइन, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब यहाँ लगाएंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस का टू ए बी कोस थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास, 16। दोनों को ऐड कर देता हूँ, दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो देखो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों ये क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों का आ जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो दोनों में से क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद पीछे बनेगा कोस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, वो क्या होता है, 1, प्लस में इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो दोनों में से क्या कॉमन है, बी स्क्वायर, तो पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो क्या होता है, 1। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 25 आ जाएगा। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ इज नॉट ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये जो एक मैट्रिक्स दी हुई है वो इन्वर्टिबल नहीं है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल नहीं है इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब वो मैट्रिक्स क्या हो, सिंगुलर हो, मतलब क्या कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो मेरे पास क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो 1-3, 2 माइनस का 8, 5, 4, 2 एक्स, इसका डिटर्मिनेट क्या कर दो, पुट कर दो जीरो के इक्वल, इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, डिटर्मिनेट आपको निकालना आता ही है, ठीक है ना। तो इसका डिटर्मिनेट निकाल लो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, डिटर्मिनेट क्या आएगा इसका, 1 इंटू में ये टर्म गई, ये टर्म गई, इसके प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस का 8x माइनस का 10, ठीक है, माइनस का फिर माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ये इंटू में ये टर्म गई, ये टर्म गई, इसके प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा मेरे पास, 2x माइनस में 20 प्लस में 2 इंटू में ये टर्म गई, ये टर्म गई, इसके प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगा, 4, फिर माइनस में इसके प्रोडक्ट इसके साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस का 8x माइनस का 10, ये प्लस में क्या आ जाएगा, 6x, इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 60 प्लस में इन दोनों को ऐड करेंगे 40, और ये क्या जाएगा, 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2x, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 70। एक मिनट, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करूँगा तो यहाँ जो है मेरे पास 32 आएगा, ठीक है ना। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे 36 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। देखो माइनस का 10 और माइनस का 60, माइनस का 70 हो गया, माइनस का 70 हो गया, और प्लस में 72 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या, 1, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं अज्यूमिंग दैट द सम एंड द प्रोडक्ट गिवन बिलो आर डिफाइंड, ठीक है। सम और प्रोडक्ट क्या है, दोनों के दोनों डिफाइंड है, मतलब ये कि सम भी पॉसिबल है और प्रोडक्ट भी पॉसिबल है जो इसने दी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मैट्रिक्स, याद रखना ये नॉट वर्ड जो है इसका यूज है, क्योंकि इसने बोला कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब है कि इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ये कहता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस में ए, तो बिल्कुल ट्रू है।
सेकेंड ये कहता है कि ए इज ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू सी डज नॉट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी, ये भी ट्रू है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी हो तो बी इज इक्वल टू सी हो, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टी, ये कहते हैं ए इंटू बी इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए और बी के प्रोडक्ट अगर जीरो है तो जरूरी नहीं होता कि ए भी जीरो और बी भी जीरो हो, मतलब दोनों में से एक जीरो, तो ऐसा जरूरी नहीं होता, हो सकता है ए और बी दोनों के दोनों नॉन जीरो हो तब भी प्रोडक्ट जीरो आ सकती है, तो इसका मतलब जो आंसर है क्या होगा सी होगा, ठीक है। ए इंटू बी ये भी ट्रू है तो सी का करेक्ट आंसर है, जिसको प्रॉपर्टीज पता है वो ही बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर लेगा। और मैं आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन दो से तीन एग्जाम में मैट्रिक्स के आते ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसने पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है, तो देख लेते हैं नॉट करेक्ट है। तो सबसे पहले मैं जो दिया हुआ है ये कहता है डिटरमिनेंट ऑफ एज वन, तो एक्स का मैं डिटरमिनेंट ही निकाल लेता हूँ, तो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, इसके प्रोडक्ट इसके साथ क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा आएगा, फिर माइनस में इसके प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट क्या आता है इसका वन आता है, इसका मतलब इसका जो सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट है। अब डी ऑप्शन देखो इज नॉट इन्वर्टिबल, ये कहता है कि ये इन्वर्टिबल नहीं है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी होती है, इन्वर्टिबल मैं बता देता हूँ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, सॉरी ठीक है इन्वर्टिबल की बात कर रहा हूँ, जबकि ये कहता है कि इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल कब नहीं होती, जब उसका डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल आता है तो तब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती, जबकि यहाँ जो डिटरमिनेंट है मेरा वन आ रहा है तो ये कहता है कि नॉट इन्वर्टिबल, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास ट्रू नहीं है, तो डी जो इसका इनकोरेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए द कंसिडर द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ ए द इक्वेशन प्रोसेस है यूनिक सॉल्यूशन, तो मैं आपको बता देता हूँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर पूछा ही पूछा जाता है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होता है। तीन इक्वेशन दी हुई है x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 6, एक इक्वेशन क्या दी हुई है x प्लस में 2y प्लस में 3z इज इक्वल टू 10, नेक्स्ट इक्वेशन है x प्लस में 2y प्लस में az इज इक्वल टू b, ठीक है। इसने बोला है कि a की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा यूनिक होगा, तो देख लो मैं मैट्रिक्स a लिख लेता हूँ, ठीक है मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो ये क्या आएगा 1 1 1, ये क्या आएगा 1 2 3 और यहाँ क्या आएगा 1 2 a आएगा, यहाँ क्या है मेरे पास a, ये मैट्रिक्स a है। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो आए, ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू मैं जीरो ले लेता हूँ या इसको डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो लेता हूँ, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वैसे भी अगर मैं इसको देखूँ यहाँ वन यहाँ वन यहाँ टू यहाँ टू, अगर a की वैल्यू 3 आ जाए तो दो रो जो है सेम हो जाए और दो रो सेम हो तो डिटरमिनेंट क्या रहता है जीरो, जबकि मेरा डिटरमिनेंट क्या रहना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए की जो वैल्यू है 3 नहीं हो सकती, ये तो इज नॉट इक्वल टू 3, देख लेते हैं ऑप्शन में ऐसा कुछ है क्या, हाँ ये है, तो इसका मतलब ए जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। बाकी आप इसको चेक करोगे कैसे इसका डिटरमिनेंट निकाल के, अगर आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो ए की जो वैल्यू है वो 3 आएगी, तो इसका मतलब ए जो है वो 3 नहीं होना चाहिए, याद रखना 3 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 3 हो गया तो इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी द मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है विल बी ए सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो जीरो हो, तो सबसे पहले कंडीशन क्या हो जीरो, क्या हो अगर जीरो होगा तो यहाँ में क्या आ जाएगा ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, किसी भी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट सॉरी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई पूरी की पूरी रो जो है वो जीरो आ जाए तो डिटरमिनेंट क्या रहता है जीरो, तो ये पूरा का पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, जिस केस में ये जो हो जाएगा वो क्या सिंगुलर, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है मेरे पास क्या है ट्रू है, तो बी ऑप्शन तो गया, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास ट्रू है। सेकंड में मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, क्या पी इज इक्वल टू जीरो, पी को अगर मैं जीरो पुट कर दूं तो ये मेरे पास बनेगा जीरो जीरो, यहां था मेरे पास क्या हो 2 5 1 8 और ये जीरो जीरो, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं इसका, डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ठीक है, तो ये आएगा, ये तो जीरो ही है, ये जीरो है, तो ये क्या आएगा क्यू इंटू में ये टर्म गई ये टर्म गई, इसके प्रोडक्ट इसके साथ तो ये जीरो आएगी, माइनस में ये है तो माइनस का 40, तो इसका मतलब माइनस का 40 क्यू आएगा। अब देखो क्यू के टर्म के अंदर आंसर आया जबकि आना क्या चाहिए जीरो आना चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट इसकी ट्रू नहीं है, तो ए भी गया, ठीक है। नेक्स्ट पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 20, पी की वैल्यू अगर 20 हो तब जो चेक कर लेते हैं, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, ये क्यू है मेरे पास ये 2 5 1 ये 8 और ये 20 और यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ 20, ठीक है, तो क्या हो इंटू में
ये टर्म गई, ये टर्म गई, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगी, 40 माइनस में क्या आएगी 8, 5 40, 40 माइनस 40 क्या होता है 0, तो क्या हुआ इनटू में 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो पी की जब टर्म वैल्यू 20 होती है उस केस में इस डिटर्मिनेंट क्या आता है 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी मेरे पास ट्रू है और सेकेंड स्टेटमेंट भी मेरे पास ट्रू है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है मेरे पास क्या क्या होगी, वैल्यू अगर 0 होगी तब भी ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और पी की वैल्यू अगर 20 होगी तब भी ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x प्लस में y इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2, और एक दिया हुआ है x प्लस में y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है मेरे पास क्या है, 2 वेरिएबल इक्वेशन है। ठीक है, और इक्वेशन कितनी हुई है 3। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मैं 2 से फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 2y, और ये आ जाएगा 8, और सेकंड में से माइनस कर देते हैं तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, तो ये क्या आएगा मेरे पास, यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा 6, तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये एक्स की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में यहाँ पुट करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में जब पुट करूंगा तो ये क्या आएगा 3 इंटू में 6 कितना हो जाएगा 18 प्लस में 2y इज इक्वल टू 2, तो 2y इज इक्वल टू क्या जाएगा 16, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, सॉरी यहाँ जो है मेरे पास क्या आएगा माइनस का 16, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 8, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 8। अब मैंने इन दोनों इक्वेशन का यूज करके x और y आया, ये जो वैल्यू है मैं थर्ड में पुट करता हूँ, थर्ड में अगर मैं पुट करता हूँ और इस इक्वेशन को अगर वो सेटिस्फाई करे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ देखो 6 माइनस में 8 कितना होता है माइनस का 2, तो यहाँ भी क्या है माइनस 2, यहाँ भी क्या है माइनस 2, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू और y की वैल्यू है इस इक्वेशन को क्या करती है सेटिस्फाई करती है, और इसका मतलब x की कितनी वैल्यू आई मेरे पास, एक भी वैल्यू आई, y की भी एक वैल्यू आई, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट ये रहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आर वन पे ऑपरेट कर लेते हैं, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, अगर ऑपरेट करूंगा मैं ये तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 ए प्लस में बी प्लस में सी, और यहाँ भी क्या आएगा 2 ए प्लस में बी प्लस में सी, और यहाँ आएगा ए प्लस में बी प्लस में सी। ठीक है, तो ये आया सी प्लस में ए, ए प्लस में बी, यहाँ बजेगा बी प्लस में सी, सी प्लस में ए, और ये आएगा बी और सी। ठीक है, तो ए प्लस में बी प्लस में सी जो है इसमें से कॉमन है, कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2 2 1, और ये आएगा सी प्लस में ए, बी प्लस में सी, और ये बी, ए प्लस में बी, और ये सी प्लस में ए, और ये सी। अब इसको जो है आपको क्या कर लेना है, डिटर्मिनेट कर लेना है, जब आप इसका डिटर्मिनेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा ए आएगा। ठीक है ना, डिटर्मिनेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में सी स्केयर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये जो वैल्यू होती है वो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए की क्यू प्लस में बी की क्यू प्लस में सी की क्यू माइनस में 3ABC की, ये जो है वो पूरी की पूरी क्या होती है आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए जो उसका ए जो है वो मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का मेरे को एक रूट जो है फाइंड आउट करना था, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक तो ये यूज है, दूसरा क्या है इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लो, आपको पता है एक रूट है, मैं तो सबसे पहले मैं जीरो पुट करता हूँ, इसमें जीरो पुट कर लो एक्स को, तो ये जीरो आ जाएगा, ये माइनस का 6, ये माइनस 1, ये 2, ये भी 0, ये माइनस का 3, ये माइनस का 3, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो निकाल के देख लो, ये तो 0 है तो ये तो खत्म ही हो गया इस रो को लेके, तो ये फिर क्या आएगा मेरे पास माइनस का माइनस 6 इंटू में ये टर्म गई, ये टर्म गई, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितनी आएगी 4, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ कितनी आएगी 9, माइनस 1 इंटू में ये टर्म गई, ये प्रोडक्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, वो क्या आएगी 0 आएगी। ये देखो प्लस का 6, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 5, तो ये क्या आया माइनस का 30, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट करने पर आंसर नहीं आया, तो ये ए तो ऑप्शन गया। नेक्स्ट सिमिलरली आप क्या पुट करो, 1 पुट करो, 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 1 माइनस का 6 माइनस 1, ये आएगा 2 माइनस का 3, ये क्या आएगा माइनस का 2, और ये आएगा मेरे पास माइनस 3, ये आएगा 2, और ये क्या आएगा मेरे पास 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 1 इंटू में ये टर्म गई, ये टर्म इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या आएगा मेरे पास माइनस का 9, और ये माइनस माइनस प्लस का 4, फिर माइनस में,
फिर क्या आएगा माइनस का सिक्स, तो माइनस माइनस प्लस का सिक्स हो जाएगा, ये टर्म गई और ये टर्म गई, इसके प्रोडक्ट इसके साथ कितना आएगा मेरे पास सिक्स, माइनस में इसके प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये माइनस का थ्री माइनस का टू माइनस का प्लस का सिक्स हो जाएगा, तो सिक्स आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा माइनस वन इंटू में ये टर्म गई ये टर्म, इसके प्रोडक्ट इसके साथ कितने आएंगे फोर, माइनस में क्या इतना आएगा नाइन, ठीक है। तो ये आएगा माइनस का नाइन प्लस का फोर, तो माइनस का फाइव आ गया, सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, फाइव फोर माइनस में नाइन माइनस का फाइव, जबकि मार भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस का फाइव, ये इससे कैंसिल होकर क्या आ गया जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू वन पुट करने पर आंसर क्या है जीरो, इसका मतलब बी जो इसका करेक्ट आंसर है, ओके। जब आप सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तब वहाँ से एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द फॉलोइंग, मेरे को स्टेटमेंट जो है करेक्ट बतानी थी। द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली थ्री सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या दी हुई है टू एक्स प्लस में थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है फोर एक्स प्लस में सिक्स वाई इज इक्वल टू सेवन। इस इक्वेशन में से अगर मैं टू कॉमन ले लूँ इसमें सेकेंड इक्वेशन में से, तो ये मिलेगा टू एक्स प्लस में थ्री वाई इज इक्वल टू सेवन बाय टू। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों देखो सेम बन गई, यहाँ भी टू एक्स यहाँ भी टू एक्स यहाँ थ्री वाई यहाँ थ्री वाई, जो चेंज है वो किसमें है सिर्फ कांस्टेंट टर्म में। तो याद रखना दो इक्वेशन के जिसमें एक्स और वाई के जो कोफिशियंट है वो दोनों में क्या रहे सेम रहे, तो उन दो वो जो दो जो है वो एक्सल में क्या होती है दो पैरल लाइन्स बनती है, उस केस के अंदर इसके जो सोल्यूशन होते हैं वो क्या रहते हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रहते हैं। दोनों इक्वेशन क्या रहे बन गई मेरी आइडेंटिकल बन गई, आइडेंटिकल केस में इसका जो सोल्यूशन आएंगे वो क्या आएंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे, क्योंकि डिटर्मिनेट क्या आएगा जीरो आएगा, तो डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है मेरे को फाइंड आउट करनी थी, डिटरमिनेंट क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है। तो देखो तो इस रो में से मेरे पास ए कॉमन है, ए कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा माइनस का ए, यहाँ बचेगा बी और यहाँ बचेगा सी। इस रो में से मेरे पास बी कॉमन है, बी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ माइनस का बी और यहाँ बचेगा सी, बी कॉमन आ गया। इस रो में से मेरे पास सी कॉमन है, सी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा ए बी और ये माइनस का सी, तो यहाँ मेरे पास सी बी कॉमन आ गया, तो बाहर आ गया ए बी सी। अब देखो R1 और R2 और R3, R1 और R2 को दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, R1 पे ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना, R1 पे ऑपरेट करेंगे, R1 प्लस में R2, तो ये हो जाएगा माइनस का ये प्लस का ये जीरो, ये भी जीरो और ये टू सी, ठीक है। और R2 पे ऑपरेट कर देता हूँ, R2 प्लस में R3, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस में ये टू ए और ये भी जीरो, ये भी जीरो और ये ए बी माइनस का c। डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो टू सी, टू सी इंटू में ये टर्म गई ये टर्म, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो टू ए बी आएगा और ये तो जीरो हो जाएगा, तो बस इतना ही आएगा। और बाहर क्या है मेरे पास ए बी सी, तो टू इंटू टू क्या जाएगा फोर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर जो इसका आंसर आ जाएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन, तो टोटल 20 क्वेश्चन थे चार चैप्टर्स के, हर चैप्टर के मैंने 5 क्वेश्चन जो है लिए थे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का जो है हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाए, ओके फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।